बहुत आगे है। इस बीच मोरू ने लॉक किया है धीरज के पहुंच से बाहर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। धीरज इस बार आगे जा रहे थे, अगर यही काम वो पीछे रहकर करते तो निश्चित रूप से शायद मोरू भी इस बार फंस जाते। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे, प्रमोद कुमोद माफ कीजिएगा, कुमोद गेंद सुबोध के सामने होंगे बैट्समैन मोनू। सुबोध की गेंद मोनू को, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, एक सिंगल्स। अगर नॉन स्टैगर हैंड से आप पहले ही बाहर निकल जाते तो एक रन और इस तरह के रन लिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि क्योंकि आपके 3 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं उनसे थोड़ा आप दबाव में आ गए हैं, लेकिन रन रेट में आप आगे चल रहे हैं, कोई बात नहीं। सुबोध की गेंद मोनू को, अच्छी गेंद, सिंगल्स इस बार फंस जाते। खिलाड़ी को बीट होने का इंतजार करना होगा आपको, जब बैट से गेंद निकले तो आप खिलाड़ी को बीट होने का भी इंतजार कीजिए, नहीं तो ऐसे में रन आउट होना गाजीपुर के लिए एक और बड़ा नुकसान हो सकता है। रन आउट होने से आपको बचना होगा। सुबोध की गेंद मोनू को, अच्छी गेंद, इस बार निकल सकते हैं, आसानी के साथ रन पूरा हो जाएगा। पारी का यह 5वां ओवर चलता हुआ, पारी का रन रेट अभी तक बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ गाजीपुर की ओर से, लेकिन विकेट थोड़ा सा गिर के थोड़ा सा अंकुश जरूर लगा है। सुबोध की गेंद, अच्छी गेंद, सुरक्षित तरीके से खेलने की प्रयास, बैट और पैड के बीच में से निकल गई, गेंद ने लगभग गिल्लियां छू ही ली थी लेकिन बाल बाल बच गए। इस तरह की गेंदों से होशियार रहना होगा, सचेत रहना होगा। सुबोध की गेंद, अच्छी गेंद, इस बार सिंगल्स आसानी के साथ, एक रन तेजी से लेके दूसरे रन के लिए आप भागना चाहते हैं तो पहला रन तेजी से लेना होगा। पांच ओवर की समाप्ति के बाद कुल 67 रन बनाए हैं, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुआ है गाजीपुर का। रन रेट जबरदस्त चलता हुआ, ऐसी बात नहीं कि रन रेट में कोई दबाव है, सिर्फ विकेट का दबाव है और कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप दोनों जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं इससे विकेट का भी दबाव को कम किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। और हम दर्शकों को ये बात बता देना चाहेंगे कि राजा ई ऑटोमोबाइल जो कि सुल्तान ललित के सामने मोनू, अच्छी गेंद, बिल्कुल स्लिप के बल से गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाएगी 4 रनों के लिए, और यही होनी चाहिए। अच्छा कट निकाला है, ऐसी बात नहीं। मोनू बिल्कुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। इनके सामने 3 खिलाड़ी आउट हुआ है, इन्होंने अपने आंखों के सामने 3 बैट्समैन को आउट होते हुए देखा है। इनके कंधों पर बड़ी दायित्व है कि जिस तरह से कि कुमार बैटिंग किया है उसी तरीके से इन्हीं को बैटिंग करना होगा। कप्तान अमीर भी जल्दी आउट हो गए, और ललित की गेंद मोनू को, फिर से खेला है वही शॉट, लेकिन इस बार सफलतापूर्वक नहीं, दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं, और अगर भाग जाते तो रन पूरा हो भी जाता, लेकिन नॉन स्ट्राइकर हैंड से सदाब ने उनको मना किया। और ललित के सामने होंगे सदाब, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन, एम्पायर को भी दिक्कत और तमाम खिलाड़ियों को भी दिक्कत। अच्छी गेंद और वाइड का इशारा, चाहे जैसे भी आए, वाइड से आए, नो बॉल से आए, जैसे तैसे ही सही, लेकिन स्कोर बोर्ड गतिशील रहना चाहिए, और ये अभी तक स्कोर बोर्ड गतिशील रहा है गाजीपुर की ओर से भी। रन लगातार बनते रहे हैं, दर्शक बिल्कुल खामोश है अभी तक, जबरदस्त क्रिकेट चलता हुआ। अच्छी गेंद, सिंगल्स आसानी के साथ हो जाएगा, और जी हाँ, सिंगल से ही काम चला है। और अब मोनू के सामने ललित, पारी का 5वां ओवर चलता हुआ, इस बीच अच्छी गेंद,
शानदार ड्राइव किया है और वहां पर सफलतापूर्वक गेंद को फील्ड करके मात्र एक ही रन खत्म हो गया। और सदाब और मोनू की जोड़ी है मैदान पर। ललित की गेंद सदाब को और लॉब किया है उस ओर, सुरक्षित शॉट माना जाएगा। बिल्कुल दर्शकों तीर घाव में जाकर छह रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, छह रनों के लिए 76 पर जा पहुंचा कुल स्कोर गाजीपुर का। जबकि और सुबोध के हाथों में है गेंद, रन 76, 6 ओवर की समाप्ति पर 76 रन और 3 खिलाड़ी आउट। देख